एहसान फरमाते हुए उम्मत को एक और बड़ा एहसान फरमा गए। शहजादी फरमाती है हमारा वो है मुकम्मल होता है जब तक जिसको माना जाए और उसकी ना मानी जाए। यानी मैं पूरी जमीन पर इनाम करता हूं, मेरे बाप जी क्या बात है, मेरा बाप सखी, मेरे बाप जैसा किसी का बाप नहीं, और मेरा बाप मुझे काम बताए बेटा ये कर, मैं कहूं अब्बा किसी और को बता, मेरा अपने बाप की तारीफ करने का कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब मैं बाप से भी मोहब्बत करूं, बाप की भी मानूं। ये आज आले मोहम्मद के चाहने वालों में लड़ाई सिर्फ इसलिए है, लोग आले मोहम्मद को तो मानते हैं, आले मोहम्मद की नहीं मानते। ये बड़ा एक अकीला है, आधी दुनिया में इमाम ने मुझे तिराइया दिखाई है, बहुत बड़ा अकीला है। लोग मौला को तो मानते पर मौला के लिए मानते, लोग वादा करो अगर मानोगे बेबी का ये फरमान तो मैं आपकी खिदमत में शुक्रगुजार करने लगा हूं। शहजादी मोहम्मद की बेटी मुस्तफाई कायनात, मुस्तफाई इस्लाम, मुस्तफाई इंसानियत, अजीम करीम बाबा की अजीम करीम शहजादी, हसनैन करीमैन नूरैन नबीरैन की बात अमान, उम्मत के शान पर बारी। शहजादी फरमाती है इमाम वो होता है, इमाम की तारीफ भी नहीं कर रहे, इमाम वो होता है जिसकी तरफ मखलूक को रजू करना पड़ता है, जबकि इमाम खुद मखलूक के पास नहीं जाता। नहीं बहुत शहजादी को मैंने तो फरमान मैंने आपके सामने रखे, शहजादी मखलूक को इमाम की तरफ रजू करना पड़ता है। इमाम के पास कौन के बाद आगे चलो आया पहली दफा इन 18 साल से कागज में अश्क जन्म हो पता नहीं कौन से लोग बैठी है तस्वूर करना एक शख्स है तेरे मासूम के पास मौला ये जो गुलाम बंदे आलम ने कौन का बयान रखा है मौला क्या आप भी कौन पे कादिर हैं। मुस्कुरा के बड़ा खूबसूरत है मासूम ने बोला भाई मौला बंदे जो बंदा हमारी मानना शुरू कर दे जो बंदा हमारी मानना शुरू कर दे अल्लाह उसको उनकी ताकत दे देता है। आगे मुस्कुराते फरमाते हम तो जिसे चाहे उसे फोन की ताकत अदा करते हैं। ये वो करीम घराना है, इसमें ना तो अकीदे वाली बात है और ना मैंने बशीर थोड़ा आपको पता है ना कभी अकीदा मैंने छेड़ा है और ना मैंने अपना अकीदा कभी छोड़ा है। इसलिए अकीदा अकीदा नहीं है जबान से जाहिर हो, अकीदा वो है जो किरदार से नजर आए। अकीदा ये है कि अपने दुआ में जुड़ा था मैं बशीर को जुड़ा देने लगा हूं तो दरदान हो कहीं दुआ ना बैठे रहना है इसको रवाना करना उसको पहले इंतजार करें जो मेरा बड़ा कमाल है। आज के दौर में अकीदे का कमाल ये है बशीर को बंदा चलता फिरता हो खाता पीता हो बैठता उठता हो दुनिया उसे देख के कहे ऐसे होते हैं अली के नौकर। ये है अकीदा खुले मैदान में खड़ा बात कर रहा हूं, ये अकीदा भी मैं अली को ये मान दो मैं अली को ये मान दो हमारी जरूरत ही नहीं अली को हम क्या माने। बशीर को खुदा की कसम मैं जितनी किताबें छान बैठा हूं मुझ जैसे बंदे को हाथ खड़े करने चाहिए हमें क्या पता अली कौन है। ज्यादा से ज्यादा ये बताएंगे भी खैबर का दर्द वाला ने उखाड़ दिया ये छोटी फजीला तो रोज रात ही मेरी मोहब्बत थी मैं जो ना दिल में को पहली दफा सब शो के साथ आपने भी तो करनी है। शहजादी तो ने भरे अच्छा मैंने शरीफ फरमा है इब्न मसूद ने दरवाजा खटखटाया इब्न मसूद ने दरवाजा किया दरवाजा पे वो है जहां फरिश्ते बाहर खड़े होकर इजाजत लेते हैं दरवाजा खटखटा के दरवाजा खटखटा के कहते बीबी मुझे अली से मिलना है। शहजादी फरमाती है अली इस वक्त घर में नहीं है बेबी मैंने बाहर भी देखे बाहर भी नहीं है। शहजादी फरमाती है अगर अली का इंतजार करना है तो मेरे इंतजार कर अली इस वक्त अर्श पे गए हैं। मैं कि नाम का हमारा नहीं पास ले ले हम मेरे से कहता हूं ना हमारा अली इस वक्त अर्श पे गए हैं पूछा इब्न मसूद से बीबी अर्श पे क्या करते गए। शहजादी फरमाती है फरिश्तों में कोई नजाबा के हुआ था अल्लाह ने फरिश्तों को कहा
कोई ऐसा बुला लो जो तुम्हारा बेहतरीन फैसला करे। फरिश्तों ने कहा या अली के सिवा और कौन होता है। से पूछा गया था या अली मुत्तकी कौन होता है। सब होती है सवाल नहीं या अली मुत्तकी कौन होता है। आप हैं इमाम मुत्तकी, मौला मुत्तकी कौन होता है। इमाम ने तारीफ बताई। सवाल नहीं किताबें गवाह है जिसने सवाल किया था तारीफ मुत्तकी सुनने के बाद मर गया। किताबें गवाह है तो जिस सरकार से तो पूछो सरकार फरमाते हैं सुन एक या दो बताओ। वाह वाह फरमाते हैं सुन हमारा मुत्तकी वो है जो जन्नत के पीछे ना भागे बल्कि मुत्तकी वो है जिसके पीछे जन्नत भागती हो। वाह 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 करना चाह रहे थे। हमारा आशिक वो है जो लालची नहीं होता। हमारा आशिक वो जो लालची नहीं होता जहाँ लालच आ जाएगा इश्क कमजोर हो जाता है। मैं फिर तो देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे कई नौमा देखा बल्बा जैसे माशाल्लाह भी बना है। पूछा एक दिन मैंने बल्कि कई जगहों में पूछा यार इमाम बल्बा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बना है। हर बंदा कह रहा है मैंने मरवाया मैंने मरवाया। उनका कर्म है जिन्होंने हम पे एहसान लगाया हमें इस तरह पे बनाया। तो जी 20 देखे पकवाई साहब कहने लगे जी मैंने पकवाई लग गए हुसैन जी देखे। मैंने कहा यार ये मैं बड़ी सहर है क्या कहूँ मैंने भी पकवाई तो कुछ नहीं पकवाई। मैंने कहा कहे हुसैन ने तुमसे अपना लंगर पकवा के मोमिनों को खिलवाया। सोच रही है तभी तुम्हें घबरा तो नहीं गई। जो जन्नत के पीछे जमीन भागता जन्नत जिसके पीछे भागती है। तो जी अगर तो यानी को मानते हो तो आज से यानी की भी मांग लो कि भाई से जन्नत की तलब नहीं करनी। अरे मैं मशीन की सुनी को बंदे पीछे दबार बैंक के पीछे डालने दबार कैसा बंदा बोला जब पैसे नहीं लेता तो उसकी अपनी तबीयत अपना मिजाज है हमें तो परेशान करके गया। मैं तीन चार हवाले हवालों की हम बात न करूं जवाब में मैं चाहता हूँ आशिकों की माफत बढ़े महीना रह जाए जहाँ थे तो बचपन में जब हुए जन्नत बड़े हुए हुए जन्नत बड़े हुए बूढ़े हुए हुए जन्नत नहीं। अगर पहला हवाला देने लगा हूँ बहुत बड़ी दलील देने लगा हूँ अगर जन्नत ही कमाल होती क्या अख्तर चिनियोटी की कब्र पे जाते हैं अख्तर को क्यों कहा था अख्तर दर बदूर से अदर अजीज है जमा लालच निकले आप कहेंगे सैयद ने कहा मेंबर पे खड़े होंगे कि जन्नत की तलब नहीं करते हां मैं तुझे करबला ले चल करबला करबला का पैगाम सुनाने से पहले दो विषय सुनाने लगा तो बस नहीं
आशिकों को निगाह करके एक शास्त्र लिखा। वो कहते हैं कि लालची में भी थे। मुझे पूछा कि बोला कैसे, उसे तो मैं शायरी में जवाब दूंगा। उन्हें सुनाओ, कहते हैं तूने अंदाजे असली देखे हैं। असली समझते हो, तूने अंदाजे असली देखे हैं, अंदाजे वफा नहीं शायद, कुछ मुंशी जी मेरा खोल भी दो तो जाया नहीं कभी। मोहम्मद का शहजादा सरजमीन करबला सरकार फरमाने लगे, ये सारी यजीदी फौज मेरी जान की मेरी जात की दुश्मन, जो जाना चाहे उसको छुट्टी गए। जवाब फिर मैंने कहा आपको बुला दिया है कि टाइम का मसला है, मैं बता देता हूं आपको। लेकिन जब जिससे काम लेते हैं उसको ये बार बार सुनाते हैं, काम हमने करवाया, नतीजा बंदों से ना मांगना। मेहरबानी शुक्रिया, नतीजा मेहरबानी, नतीजा बंदों से ना मांगना, बेफिक्र रहना। अगर हमने करवाया हम ही देंगे। सरकार जमाने के नाम तो जरूर हो गया, सीधे बादशाह को बुलाया गया। हमारी बारगाह बनाई, मांग क्या मांगत है, दाएं बाएं खड़े होंगे आशिक करबला वाले, ये सुन चुके होंगे करबला वालों ने क्या मांगा। ये किसी आशिक से पूछेंगे चलो मेरी बारी आई मैं क्या मांगू, आशिक इसको कहेगा इनको कहेगा भाई वो मांग जो मुकद्दर में नहीं है। किसी को घबराहट हो मुगल पे सर्च करना जनाब सल्तान मोहम्मदी की जिंदगानी। सलमान ने सात सिर की तहरीज पे जवाड़ी दी थी, किसी ने सलमान से कुछ मांगा भी है? सवाल भी है का सवाल वो करे जिनको अली ना मिले। मेहरबानी का सवाल वो करे जिसको अली ना मिले। और सवाल फेम को कहना आगे बैठने के लिए इजाजत दे दी है। का सवाल वो करे जिसको अली ना मिला। मैंने कहा वो कैसे, मैंने कहा मालूम के वो तेरे मुंह में क्या मांगा। दुनिया मानू वो तो बाकियों को भी दी गई है, जो बाकियों को नहीं मिली वो मुझे मिले। मैंने कहा वो क्या कहो अली है। कह लो जी मिल गया। अकबर अली से पूछा या अली आपका सलमान जब देखो ड्यूटी कर रहे हैं, कई दफा हमने पूछा चाहिए क्या, कहता कुछ भी नहीं। बोला ये तो सारी सारी दुनिया जन्नत के पीछे भागती है। बोला ये तो कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़े को जन्नत नहीं चाहिए। तो कभी ना मुक्त की है, इसको जन्नत क्यों चाहिए, जन्नत को ये चाहिए।
एक पर्दे में सीन करते रसीद छोड़ के लालच को ऐसा रास्ता निकालना है। किस मामले में? आले मोहम्मद के मामले में लालच रखो, नौकरी करो लालच रखो, तनख्वाह की पैसे के लिए कारोबार करो लालच रखो, मुनाफा कमाओ, शादी करो लालच हो, नस्ल बढ़ेगी। हुसैन के मामले में लालच कबूल और बर्दाश्त कर सको, हुसैन के मामले में लालच है। मुझे क्या देंगे, मुझे क्या देंगे, मुझे मिल गए, मुझे मुझ जैसे कुछ काबिल बनाया। ये चीज रखोगे इंशाल्लाह आपका सफर बड़ा कमाल शुरू हो जाएगा, हमारे खुद रूहानियत बड़ा सफर शुरू हो जाएगा। अच्छा, मोमिनों से लड़ना भी नाशुक्री है, आपकी लालच है। एक बंदा जब ये समझता है मेरा अकीदा बुलंद, मैं बड़ा मुत्तकी, अकीदा मुत्तकी की मैंने तारीफ कर दी थी, बताऊंगा। और एक मैं फर्ज करो अंकल की बात ही कर देता हूं, अंकल कलीम शाह साहब तशरीफ फरमाए, मेरे इनसे काम का झगड़ा है इस बात का, कोई तो बस इनका अकीदा ही अच्छा नहीं, मेरा तो अकीदा बड़ा तो जी इमाम का जबूर हो गया। इमाम ने मुझे बोला है जरा, मैं पहुंच गया, मुझे फरमाने लगे जहां मजीद शाह को बुला के ला। मैंने कहा मौला वो तो बंदे ठीक थे, फरमाने लगे तू बेहतर जानते हैं हम बेहतर जानते हैं। मरने के बाद
अली से मुलाकात होती है। अंदर मजीद बहुत बड़ा जुड़ता है, मसीह को समझ कर जिंदगी का रुख बदल जाएगा। मदनी के बाद अली से मुलाकात होती है। आओ पूरी न्यूज बताने से कह रहा हूँ, न इंसान का जिस्म बनता है, न इंसान की रूह बनती है, इंसान का नफ्स बनता है। कुरान नफ्स से जायका तो मौत है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान के मुझे कह रहा हूँ, मरता क्या है? ना क्या नहीं मरता, जिस्म क्या नहीं मरती, रूह ना जिस्म ना रूह, मरता है नफ्स। पता चला नफ्स मर जाए मौला मिल जाते हैं। अंकल मेरे दिल से जरा ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ। इसका मकसद सिर्फ एक ही होगा तो बताता हूँ, और ये कतल मकसद ही मुझे बात मिले मुझे मजालिस के बारे में इंटैक्ट नहीं, इसका मकसद असल ये है, इसको अंदर बिठाना, जिंदगी का रुख बदल लेना। हो सकता है महदी को आपकी जरूरत हो, वो सबसे बादशाह को आपकी जरूरत हो, नहीं सुन चाहता है। वसीफ ये देखो, आसानी के साथ आराम के साथ जुमला पेश करता हूँ, फिर मैं बातें शुरू करता हूँ। तीन जमाने हमें पढ़ाए भी जाते हैं, सिखाए भी जाते हैं, समझाए भी जाते हैं और गुजारा भी जाता है। तीन जमाने, एक है गुजरा हुआ जिसको कहते हैं माजी, एक है हाल जिसमें हम हैं, एक है मुस्तकबिल जो आएगा। मैं इसको और आसान करता हूँ, शुक्र गुजार हूँ, आसान करता हूँ ताकि मेरे बुजुर्गों तक भी बात ये पैगाम पहुँच जाए। तो जी अंकल मजीद मेरी मुलाकात मेरे ख्याल से पहली होगी, मिसाल देने लगा हूँ, इनसे मेरी पहले मुलाकात सुबह भी हुई। मुझे कहने लगे थे बेटा नाश्ता करोगे? मैंने कहा करा दीजिए। दो बजे इनकी फिर मुलाकात हुई, मुझे कहने लगे बेटा नाश्ता करोगे? मैंने कहा अंकल मैं कहा चुका हूँ, जो हो चुका है वो माजी, मैं कर चुका हूँ। कहने के बेटा कहाँ जाने मिले अंकल, आपके वसीफ हो रहे हैं, मैं अंकल खिलाफ करूंगा, मुझे ये मुझे ले आएगी, मेरा हाल है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये आपका हाल है, मेरा हाल है, ये माजी था, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। रात को आप और मैं इंशाल्लाह हमारे इमाम से बिस्तर पे जाके सोएंगे, ये हमारा मुस्तकबिल है। नौकरी को करते हो? कहा तनख्वाह लूंगा। मैंने कहा आप क्या करते हैं? कारोबार करता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा मुनाफा कमाऊंगा। अल्लाह करे पैगाम आप तक पहुंच जाए। कहा मुनाफा कमाऊंगा, नौकरी करते हो तनख्वाह लूंगा। फिर आज फैसला करो, आप और मुझ से मजलिस के बाद कोई पूछे कहाँ गए थे, पहला जवाब ये देना है मैं कहीं नहीं गया था, मुझे मौला ने बुलाया था। मैं भी सलमान बनूंगा, ताकि कसम तुम्हारा ज़माने का इमाम, इसी जिक्र इसी इबादत के जरिए हम सबको अपना और बनाना चाहता है। अंकल मुझे एक मैं मार्फत को मोती और देना चाहता हूँ, जो सुभान सबको जो मैं सुभान सबको ना समझना नाराज ना होगा, लेकिन कभी मौका मिला मैं इसको इंशाल्लाह हासिल भी करूँगा। हम इस दौर में अगर मजालिस सुन के, अगर मातम का मकसद समझ के, अगर करबला की मट्टी पे सजदा करते हुए हुसैन के आशिकों को गौर से देखकर अपनी जिंदगी का रुख बदल लेते हैं, कैसे आंखों में हयाले आते हैं, हाथ पाकीज़ा करते हैं, वो कदम जो इमाम की बारगाह जाए उनको हराम से बचा देते हैं, वो पेड़ जिसमें हुसैन के लंगर का नुकमा जाए उस
फेंक में हराम का कतरा नहीं जाने देते, फिर तेरा मेरा जो तारुफ होगा ना, हमें बताओ तेरा मेरा जमाने का इमाम आएगा मुस्तकबिल, इंशाअल्लाह काबे की छत पे खुतबा देगा मुस्तकबिल, खुतबा देने के बाद तमाम नबी तमाम वली तमाम आइमा तशरीफ लाएंगे मुस्तकबिल, सरकार के सामने हर नबी अपने अपने दौर की उम्मत का तारुफ कराएगा, फिर रसूल के बाद अली, अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, सारे आशिक, जब हर मासूम बता देगा बारी आएगी तेरे मेरे इमाम की, तेरा तरफ जमाने का इमाम ऐलान करेगा। और नबियों आपने अपने अपने दौर के आशिकों के बारे में बताया, दादा अली आपने आशिकों के बारे में बताया, नाना मोहम्मद आपके आशिकों के बारे में आपने बताया, दादा हुसैन आपने अपने आशिकों के बारे में बताया, अब मैं अपने आशिकों के बारे में बताने लगा हूँ, बताने से पहले मैं बताता जाऊं आपके आशिकों और मेरे आशिकों में फर्क है, पूरी दुनिया देखेगी अब महदी फर्क क्या बताता है। सरकार फरमाएंगे आपके और आशिकों में मेरे आशिकों में फर्क ये है, आपके आशिकों ने आपको देख के माना, मेरे आशिकों ने गैबत में माना। एक छोटी सी बात करता हूँ, गैबत में मानना क्या है, गैबत में मानना अंकल जी, गैबत में मानना ये है जवान कहीं गुजर रहा हो रास्ते में मजदूर नजर आते हैं आंखें नीचे कर कोई देख रहे हो, और अगले दिन कहे यार हमने तुझे देखे तो कहीं जा रहा था आगे औरत जा रही थी तुझे आंखें नीचे कर दी, बड़ा नेक बंदा है इसमें फसर करने की जरूरत नहीं, आशिक को जवाब देना चाहिए क्या करो मजबूर हूँ ये आंखें मेरी है ही नहीं है तो किसी की अमानत है। काश कि आप तक मेहरबानी ये मेरी अपनी है ही नहीं, और सुन एक अली का फरमान है मोमिन वो है जिसकी तन्हाई बात अकेला पन का आपको कि मोमिन क्योंकि मैं एक छोटा सा वाक्य जो मैं ईसा अलैहि सलाम का सुनाता जाऊं बात की शुरू मुकम्मल करूंगा, तेरे रसूल से पहले सल्लल्लाहु अलैहि आबाही व आलिही व सल्लम से पहले जनाबे ईसा का दुनिया में नजूर है, सरकार आए पता है जनाबे मरियम के हाँ बगैर बाप के पैदा हुए है ना अंदाजा, मैं उनकी पैदाइश कर ही गया था क्योंकि मेरी अक्ल से मामला निजाम है, मुझे जरूरत नहीं किसी के कारण पैदा होने वाले बच्चे के बारे में पूछो वो कैसे पैदा हुआ था, इशारों में मैं बहुत कुछ कह दिया, अल्लाह कहते हैं रे जब आ रही है मौला के चाहने वालों को कम अज कम ये पता होना चाहिए जो हम जैसा नहीं वो हमारी तरह आता भी नहीं है, और कहेंगे ये बात ये भी अकीदा अकल वकील नहीं है, मैं बात से बात किताबों के हवालों से बता रहा हूँ, बात से बात सुन कौन जाने मासूम कौन है, हर मासूम की माँ पूछने वाले को बताती है जब शहजादा आया है दुनिया में मैं मुसलसल में बैठी थी, दो बंदे पहले सुनाने लगोगे पर से दो बंदे मैं मेरे बेटियां भी मेरे सुनिएगा, दो बंदे सादिक और सिद्दीक हक का पैगाम पहुंचाने के लिए किसी मुल्क भेजे वहां से चले रास्ते में एक बंदा मिल गया पूछता है बड़ी माफ़ वाली बात है जी संभाल मुझे बहुत खुशी होगी मेरा आपके अंदर बैठ रही थी, हाँ रास्ते में बंदा पूछता है कौन हो आप कौन हो, कहा हम जनाबे ईसा के हवारी हैं, तो सादिक और सिद्दीक हक का पैगाम देने के लिए दूसरे मुल्क भेजा उन लोगों के पास भेजा जो बुद्धों की पूजा करते थे, आ जाओ पैसा हो ये वहां से चले रास्ते में बंदा मिला कहा कौन हो कहा सादे को सिद्दीक कहा किसके मानने वाले कहा ईसा के कहा जा रहे हो कहा आपका पैगाम दे रहे
कहते हक का पैगाम जिसका दिया जाता है उसकी कोई ना कोई निशानी भी होती है। हमारे पास कोई निशानी है उसने कहा जिसने हमें भेजा है उसने हमें ये भी कहा है मैं तुम्हें अल्लाह से ताकत लेके दे रहा हूँ कोई कुत्ता मेरे आंखों में मारना ठीक हो जाएगा। कहा दूसरी निशानी का दूसरी निशानी ये है कोई अपाहज मिले जिसको हम गुंडा मंडा नहीं कहते कहा कोई अपाहज मिले ये भी ईसा ने हुक्म कहा दिया है हमें उनके जिस्म पे हाथ लगाना वो ठीक हो जाए। होने का मेरा बेटा एक बड़े अरसे से अपाहज है मैं उस शख्स में बैठ सकता मैं तो बड़ा तंग हूँ तो पहला काम तो यही करते जाओ ना बेटे को उठाया ले गया सादे को सिद्दीक ने हाथ लगाया बच्चा ठीक तीसरी बात भी ये कर गया है बताऊ देखा तो मैं बढ़ सकता नहीं सब कर रहे हैं नमाज का भी टाइम है कभी होते मेरे मित्र ने मुझे हुक्म किया इसलिए बताते हुक्म करने मिलो तीसरी बात और बात नहीं तीसरी बात ये है कि जिसने तुम्हें भेजा है तुम भी उनके सच्चे मांगने वाले हैं। वो कैसा है? कहा जो जिसको मानता है ना फिर उसकी भी मानता है फिर जब वो उसकी मानता है तो वो इनकी मानता है। लो जी पूरे शहर में खबर घूम गई ये बंदा ऐसा आ जाए बंदे सारे पीछे भागते हैं और ये कहते तो बंदे आए हैं आंखें भी दे देते हैं जो ये दावा करते हैं हम अंधों को भी ठीक कर लेते हैं आज को भी ठीक कर लेते हैं बुलाया का कौन होगा ईसा के मानने वाले हैं का ताकत क्या है का ताकत ये है कहा करे ठीक बंदे ने कहा पांच में ठीक करवा दे कहा नहीं लोग इनको मानना शुरू हो जाएंगे मुझे छोड़ देंगे आपके बादशाह के दीन पे बादशाह के पास ले चलो बादशाह के पास गए उन्होंने कहा जी कौन हो परदेशी किस दीन के हो मैं बुद्ध बुद्धों की पूजा करता हूँ उन्होंने कहा अपना एक बंदा है इसको इबादत खाने छोड़ा साल रहा सैलून साल दरमियान में कहते हैं सादे और सिद्दीक को तुम्हारे से कोताही हुई है तुम कैद न होते उन्हें कहा क्या कहा तुम्हारा हक था मोहब्बत से समझाते सख्ती ना करते सख्त बात ना करते मोहब्बत से सब बात का घबराओ नहीं मैं अब जान साल पूरा हो गया बादशाह तुम्हें बुलाएगा मुझे नहीं पहचानना अनजान रहना है लो जी सात बात कहा बेटा बादशाह मिलना चाहता हूँ मैंने बड़ी बुतों की पूजा की है पहुंच गया सलून बादशाह के पास बादशाह कहने लगा चूंकि तू हमारे दीन पे है बता तुझे तो चाहिए बता तुझे तो चाहिए बादशाह कुछ भी नहीं चाहिए बस एक बात पूछ ली थी दो कैदी देखे हैं दो कैदी देखे ये मामला था बुला लो देख लेते अगर ये सच्चे हैं तो फिर हम इनका साथ देंगे अगर हम सच्चे हैं तो फिर हमारा साथ
छुप पड़ते रहो ताकि आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। दोनों आ गए, सैलून बादशाह की तरफ बैठा है, आवाज देके कहते हैं, हाँ भाई तुम्हारा क्या दीन है? का सच्चा दीन है। का सच्चाई की निशानी क्या है? का हम अंधों को ठीक कर लेते हैं, अगर अंदर ठीक हो गए तो फिर ईशा की बात माननी पड़ेगी। बादशाह सलामत, अंधा बुलवाइए। अंधा आया, अब सैलून ने, अंकल जी सैलून ने अपना हाथ अंधे की आंख पे फेरा, अंधा ठीक है। अब बादशाह एक और बुलाइए, एक और आया, सिद्दीक और सादिक ने हाथ फेरा, दूसरा अंधा ठीक। सैलून ने कहा, बादशाह ये कहते हैं हम बड़े ताकत वाले, देखिए हम कितने ताकत वाले, हमारी ताकत भी तो देखिए ना, हम भी अंधा नहीं ठीक करते, लेकिन उन्होंने कर दिया, हमने भी कर दिया। कहा बादशाह सलामत, अब इनका दूसरा दावा है, अब पहाड़ चीख कर देते हैं, टंडा पंडा, अब पहाड़ बुलाइए। अब पहाड़ बुलाया, अंकल जी सैलून ने कहा पहले तुम ठीक करोगे या मैं करूं? बादशाह ये बेचारे किस दिन से आए हैं, आपका क्या हुक्म है? बादशाह ने कहा पहले तू कर। सैलून ने हाथ मारा, अब पहाड़ ठीक हो गया, अब पहाड़ ठीक हो गया। कब बादशाह और डंडा डंडा मंगवा, एक और मंगवा, सारे सिद्दीक ने हाथ मारा, डंडा ठीक हो गया। बादशाह सलामत, ये भी अपने दावे में सच्चे हैं तो हम भी तो सच्चे हैं। बादशाह रह के लिए यही होगा, वो ये है, इनसे पूछते हैं कोई और निशानी है? उन्हें का एक और निशानी है, वो ये है, हम मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। हम मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। सैलून कहते हैं बादशाह ये काम तो हम नहीं कर सकते, एक मिनट इनका देख ले क्या करते हैं। सादिक और सिद्दीक आवाज देके कहते हैं बादशाह बता किसको जिंदा करें। बादशाह कहते हैं सैलून इनसे कहो मेरा बेटा कुछ साल पहले दुनिया से गया था, अगर ये मेरे बेटे को जिंदा कर ले मैं ये दीन मान लूं। अंकल जी ये फरमान है मासूम का, किताब है कसस सलमिया, शक न करना शिया नहीं रहोगे। जो फरमान मैं वो सुनाने लगा हूँ, सादिक और सिद्दीक ने हाथ उठाए, हाथ उठाने की देर थी, आवाज देके कहते हैं बादशाह बंदे भेद बेटे की कब्र पे बेटा कब्र से बाहर आ गए। अल्लाह करे हमारे ऊपर भी कुछ आले मोहम्मद का गर्म असर करे। अगर मोहम्मद के पसीने से बनने वाला ईसा जिसके हवाई अंधों को आंखें दे सकते हैं, टुंडों को ठीक कर सकते हैं, मुर्दों को उठा सकते हैं, तो मोहम्मद के नौकरों में क्या बात है? हमने दीन से बस मजे करना पड़ता है, सीधे सुन ली तो मुझे सुन उधर जाएंगे, कल सुन के उधर जाएंगे, कल मुझे सुन के वहां जाएंगे, कल मुझे से सुन ले तो ठीक है, अच्छी बात है सुनो, पर सबर कर लो। देखो मैं ये पशु लाहौर पढ़ रहा था अंकल वजीर, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन खाक के शिफा पे सजदा करते हैं, मैंने कहा खाली सजदा ना करो, खाक के शिफा को गौर से देखो, इसमें सिर्फ हुसैन नहीं 72 भी है। सिर्फ ये ना देखो 72 है, बल्कि ये सोचो अगर हुर हुसैन तक पहुंचा मैं भी महदी तक पहुंचूंगा। नहीं अब्बाजान दो बंदे देखे है मैंने, परवानियत का कमाल देखी है, यही तो कौन कहता फिर आंखें बचाओ पेट बचाओ गीबत के लिए छोड़ दो, दुनिया की चीजें देखना छोड़ दो, अपने आप को पाक रखो। 40 दिन अलम अब्बास देखने के बाद किसी भी बीमार को जाके कहो या अली उठ में आ गए। वाह 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 वाह
पाया हूँ, शुक्र गुजार हूँ। बस एक बार कहा दो बंदे देखे, बस खत्म करती साइन का, कहा दो बंदे देखे मेरी रूह इजराइल को अंडा दे, हम लोग देख के वापस बिछ गए। दो बंदे हाथ उठा रहे, बादशाह ने पहचान लेगा, कहा हाँ वो खड़े ये थे। सलोम कहता है बादशाह ये सच है, हम नहीं मुर्दे उठा सकते, क्यों ना इनका दीन मान ले, क्यों ना इनका नबी मान ले। वो जी इतनी सी बातें आने दे जमाने का इमाम, मैं कहता हूँ अल्लाह के बवालिया ने हैदर इकरार में वो ताकत पैदा हो, इमाम का दिल चाहे मैं बसीर को न चाहे किसी आशिक को आशिकों को उठाऊ, मौला की खिदमत में नौ तलाश करे, मौला आप मौला है बैठे रहे नौकर किस काम के होते हैं। इमाम फरमाते हैं मुत्तकी वो है जो लोगों के ऐब देख के पर्दा रखे। क्या कहा मुत्तकी वो है जो ऐब देख के पर्दा रखे, एक एक के सामने मशहूर ना करे ये गंदा था ये गंदा था ये गंदा था, पर्दा रखो सबसे तेरे पर्दा रखने की वजह से पर्दे वाला भी तेरे पर्दे रखे। पर्दे वाले का बड़ा एहसास है, गैबत में बैठा है, दो वजूहात से फूट होता है, एक हमारे आमाल पे जो गलतियां कर जाते हैं, दूसरा हमारा बड़ा आमाल पे दरबार जाने वाली शहजादी कौन थी जिसकी चक्की मलाइका चलाते थे, दरबार जाने वाली शहजादी कौन थी मोहम्मद कच्चे कच्चे अपनी जगह छोड़ देता था। मेरी शहजादी हमें अरमान अफसोस यही हमें है हमें रहेगा हमें था क्या किसके लिए मोहम्मद खड़े हो जाते थे उम्मत ने उसको बैठने नहीं दिया। एक शख्स रिवायत करता है मेरी मुलाकात जनाब फिजा से हुई, सहरा में मैंने देखा एक बुढ़िया है, मैंने सलाम किया, मेरे जो मानते तो कौन थे वो भी अने का फिजा, मैंने सवाल किया फिजा तो मोहम्मद की बेटी के दुखों के हैं निशानित है, तुमने शहजादी के दुख देखे हैं बता तो सही हुआ क्या था, जिनके लिए मोहम्मद इतना इंतराम करते थे उम्मत ने जरा भी इंतराम ना किया, खुद इंसाफ कर जिसका माता दुनिया से चला जाए वो बेटी रोए ना तो क्या करे, तो मुसलमानों को उसका रोना भी पसंद ना आया, लोगों ने वो भी करीब बुलाया के शहजादी को बुलाया, शाम वाली को देख के हुसैन के बारे में वसीयत की, शाम वाली को कहती है
शाम वाली मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती है। हुसैन की प्यास का ख्याल करता, रात उठ के पानी मांगते हैं, मेरे हुसैन की प्यास का ख्याल करता। उठाया अय्यद तेरी शहजादी का, उठाया जनाजा तेरी शहजादी का। शहजादी शाम वाली रिवायत करके हमने देखा, शायद हमें दो जनाजे ना उठाने पड़ जाए। हमने हुसैन की कैफियत देखी, रो रो के सर पीटने की बात करते, अम्मा मुझे पानी कौन पिलाएगा, अम्मा मेरा ख्याल कौन करेगा। जब बेटी रुखसत हो रही हो ना कोई बात बाप जरूर करता है। तेरी शहजादी जब रुखसत हो रही थी ना, तेरे नबी ने यारी को जुमला कहा था, यारी ने पूछा था, यार सुन ला मेरे नहीं कोई हुक्म। उस वक्त रसूल ने कहा था, अली बस इतना है मेरी बेटी रोए ना, बस दफना के बैठा ना। जब गाय ने तेरे अली ने सारों को भेजा, इब्ने मसूद को चला जा, सलमान को चला जा, मिकदाम को चला जा, सारे चले गए। कहा रिवायत है, रावी कहता है, मैं भी जा रहा था, मैंने देखा अली ने सर से अमामा उतारा, अमामा उतार के शहजादी की कमर पे रख के कहते, मोहम्मद की बेटी मुझे माफ करना, मोहम्मद ने कहा था मेरी बेटी रोए ना, मुझे माफ करना, मैं सर का दिन होगा, मसीह करवाला आएगी, मोहम्मद की बेटी आवाज आएगी, सारी मखलूक आंखें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी मैं सर के पैगंबर, आवाज आएगी, सारी मखलूक आंखें बंद, पैगंबर जमीन, सारी मखलूक आंखें बंद, पैगंबर जमीन कर देगी, आवाज आएगी, अरे मोहम्मद आप भी आंखें नीचे कर लो, सारे अरे मोहम्मद आंखें नीचे, बस आज आपने मैं इजाजत देने लगा हूँ, सारे अरे मोहम्मद आंखें नीचे, फिर आवाज आएगी, मेरा हबीब तू भी आंखें नीचे कर दे, मेरी तो बेटी है ना, तेरे अल्लाह के पास लेके मोहम्मद ऐसी हालत में आ रही है तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हाथ में कटल हुसैन का सर ला रही है, साथ शहजादी का ला रही है, पीछे 72 हैं जो कटे हुए सर।